अस्सलाम वालेकुम पीपीआर एचडी न्यूज़ पे खुश आमदीद। सियालकोट से चौधरी मोहम्मद आसिफ जट की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 70 कौमी असम्बली के उम्मीदवार चौधरी सुहेल जट की रिहाइशगाह पर उनके सऊदी अरब के दोस्त अल शेख हमद अब्दुल्ला अल शेख हमजाफे खसूसी तौर पर पाकिस्तान में सियालकोट शहनी में तशरीफ़ लाए। तफसीलात के मुताबिक हल्का NA 70 मरकजी मुस्लिम लीग कौमी असम्बली के नामजद उम्मीदवार चौधरी सुहेल जट के साथ इजहार यकजहती के लिए सऊदी अरब से खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाने वाले सऊदी मेहमानों ने चौधरी सुहेल जट उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली का दिली तौर पर शुक्रिया अदा किया और अपने तासरात में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के शहरी आपस में भाई भाई हैं। मुझे पाकिस्तान में आकर दिली तौर पर खुशी महसूस हुई। मैं तमाम पाकिस्तानियों का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। هو معلوم بيت حلو. انا زي بيتها نفس الشيء فكله يجي انا وابو عبد الله اخو والله احترام وتكبير علشان هذا الشيء ما شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا كله نفر الف मिलियन शुक्रिया जी। इनका कहना है, इनका कहना है कि ये जितने भी यहाँ पर आदमी मौजूद हैं इनका मजदूरी से शुक्रिया अदा करता हूँ और अजी शेर साहब जो हैं ये मेरे भाई हैं और इनके खानदान के साथ मेरे जाती मरासम है। अभी मैं जो NA 70 के उम्मीदवार हैं अजी शेर साहब इनसे बात करता हूँ, ये उनकी जो तर्जमा है ये करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपको मुबारकबाद के आपके दो सौ से तजरीब लाएँ, हम इस खुशी की कड़ी में आपके साथ हैं। साहब आपका बहुत शुक्रिया, सब भाई का बहुत शुक्रिया जी। आप तो फरमाएं ये हमारे जो सऊदीया के मेहमान हैं ये क्या फरमा रहे हैं? ये फरमा रहे थे कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हिम्मत का मौका दिया और ये जो सुहेल आदल ये मेरे भाई की तरह हैं, बेटे की तरह हैं और मैं पहले भी चाहता था कि मैं आऊँ लेकिन मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका, तो अभी मैंने आप तुम आए तो मैं भी सोचा कि मैं विजिट करूं और अब्बा जी को मिलूं, ये बोल रहे जी। इनका कहना है कि ये अपने नेक ख्यालात जो हैं हाजी बशीर अहमद साहब के लिए, हाजी शेजर साहब के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए अपने नेक ख्यालात का आधार कर रहे थे चौधरी मोहम्मद आसफ जाट।